नमस्कार दोस्तों, द की पॉइंट्स यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, एक बार फिर से हम हाजिर हुए एक नए क्लास में, और आज के इस क्लास में हम चर्चा करेंगे संथाल विद्रोह या संथाल हुल के बारे में। तो चलिए आज का क्लास शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि ये संथाल विद्रोह हुआ कब था। तो दोस्तों, इसका ईयर है 1855-56 ईस्वी, और इसको ये ईयर याद रख लीजिए। और इसमें इस तरह का भी सवाल पूछा जाता है कि जो 1857 का सैनिक विद्रोह हुआ था, उससे ठीक पहले कौन सा विद्रोह हुआ था। तो वह हुआ था संथाल विद्रोह, ठीक 1-1.5 साल पहले। दोस्तों, इसके बाद अगला पॉइंट देखते हैं कि अगला पॉइंट क्या है। हुल का शाब्दिक अर्थ है विद्रोह या बगावत। यहाँ पर जो संथाल हुल से जो हुल वर्ड लिया गया है, तो ये संथाली भाषा का एक वर्ड है, और हुल का मतलब होता है विद्रोह या बगावत। इसके बाद हम अगले पॉइंट में देखते हैं कि इस विद्रोह के नेतृत्वकर्ता कौन कौन थे। तो दोस्तों, संथाल विद्रोह के जो नेतृत्वकर्ता थे, वे थे सिद्धू, कान्हू, चांद और भैरव। दोस्तों, ये चारों सगे भाई थे, सिद्धू, कान्हू, चांद और भैरव, और इनके पिता का नाम था चुन्नी मांझी। तो इसको भी याद कर लीजिए। दोस्तों, इसके बाद हम आगे देखेंगे कि इस विद्रोह के उठने का क्या कारण था। तो इसके बहुत सारे कारण थे, तो एक एक कारण पर हम चर्चा करेंगे संथाल विद्रोह का कारण। जो पहला कारण था, जमींदारों की अत्यधिक मांग। दोस्तों, संथाल परगना क्षेत्र के जो भी लोकल जमींदार थे, वो यहाँ के संथाल जनजाति के लोगों से बहुत अत्यधिक टैक्स या कर वसूलते थे, जिससे भी संथाल जनजाति के लोग परेशान थे। इसके बाद अगला जो कारण है, वो है महाजनों का ऋण जाल। दोस्तों, महाजन लोग गरीब लोगों को, खास करके जो संथाल जनजाति के लोगों को, ऋण में कुछ पैसे देते थे या कुछ सामान देते थे, उसके बदले में वे बहुत ज़्यादा मात्रा में इंटरेस्ट वसूलते थे, जो संथाल जनजाति के लोग चुका नहीं पाते थे। और जब चुका नहीं पाते थे, तो उनकी ज़मीन को जब्त किया जाता था और नीलाम कर दिया जाता था, इससे भी वे परेशान थे। अगला कारण क्या है, पुलिस तथा न्यायालय का पक्षपात। दोस्तों, पुलिस हम उस समय जो अमीर लोग थे और जो ऊँचे जाति के लोग थे, उनके पक्ष में हमेशा अपना काम करती थी, और न्यायालय का भी उसी तरह का रवैया था। इस रवैये के कारण भी जो संथाल जनजाति के लोग थे, वे परेशान थे। इसके बाद और बहुत से कारण हैं, तो और इसका जो तत्कालीन कारण बताया जाता है कि भागलपुर से वर्धमान तक रेल लाइन बिछाने का काम संथालों से बेगारी करवाना। दोस्तों, भागलपुर बिहार में है तथा वर्धमान बंगाल में है, तो उस समय भागलपुर से वर्धमान तक रेल पटरी बिछाने का काम हो रहा था, तो इसी काम में जो संथाल जनजाति के लोग थे, उनको उस काम में लगाया गया था, और उसको उनके काम के एवज में उनको सही से पैसा नहीं दिया जाता था, इसके कारण भी वो भड़क गए। दोस्तों, इसके बाद हम जानते हैं और एक रीजन है, इतना बड़ा जो विद्रोह हुआ था, इसके कई रीजन एक साथ थे तब जाके इतना बड़ा विद्रोह हुआ था। तो और एक जो विद्रोह है, तत्कालीन विद्रोह, स्थानीय साहूकारों ने दरोगा महेशलाल दत्त की सहायता से, एक विजय मांझी नाम का एक व्यक्ति था, उनको एक मामूली चोरी की वजह से, उनको वहाँ के जो साहूकार थे, वो वहाँ के जो लोकल दरोगा महेशलाल दत्त थे, उनकी मदद से विजय मांझी को गिरफ्तार करवा दिया गया। और गिरफ्तारी के दौरान विजय मांझी के साथ बहुत मारपीट की गई, और इसी मारपीट के दौरान विजय मांझी की जेल में मृत्यु हो गई। तो इसी विजय मांझी की मृत्यु का बदला लेने के लिए जो संथाल अपने जनजाति के लोग थे, अपने रिश्तेदार थे, उन्होंने महेशलाल दत्त नामक दरोगा की हत्या कर दी। तो इस हत्या के बाद संथाल डर गए, और गिरफ्तारी से बचने के लिए एक जगह इकट्ठा हो गए, और ये डेट कब से था, 30 जून 1855। तो दोस्तों, 30 जून को हुल दिवस मनाया जाता है, तो इसको भी याद रखिएगा। तो 30 जून को यहाँ पर एक लोगों का संग्रह हुआ था, और 400 गांवों से करीब 6000 संथाल इकट्ठा हुए थे, और इन्होंने एक स्वर में विद्रोह करने का निर्णय लिया। इसके बाद हम आगे देखते हैं कि क्या हुआ था। इस सभा में सिद्धू को राजा, कान्हू को मंत्री, चांद को प्रशासक और भैरव को सेनापति चुना गया। दोस्तों, यहाँ पर जो भगनाडी में सभा हुआ, तो उस सभा में जो बड़ा भाई सिद्धू था, उसको राजा बनाया गया, कान्हू को मंत्री, चांद को प्रशासक तथा भैरव को सेनापति बनाया गया। इसके बाद देखते हैं अगला पॉइंट क्या है। सिद्धू और कान्हू के नेतृत्व में
60,000 से ज़्यादा संथाल एकत्र हुए। इन्होंने कचहरी, पुलिस स्टेशन, डाक गाड़ियाँ जला दिए। तो दोस्तों, सिद्धू और कान्हू को जब राजा और मंत्री बनाया गया तो इनके नेतृत्व में उस एरिया के लगभग 60,000 संथाल एकत्र हुए और जितने भी संथाल थे उनको इकट्ठा किया गया और उन्होंने उस एरिया में तबाही मचा दी। जितने भी सरकारी ऑफिस थे, कचहरी थे, पुलिस स्टेशन और जितने भी डाक गाड़ियाँ थी सबको जला दिया गया। तो और यह दूसरे भागों में भी चला था, संथाल परगना के अलावा जो हजारीबाग का क्षेत्र था वहाँ पर भी यह विद्रोह चला था। तो हजारीबाग में इसके नेतृत्वकर्ता कौन थे इसको भी याद रखना जरूरी है। तो हजारीबाग में इस विद्रोह का नेतृत्व अर्जुन मांझी ने किया था और लुबाई मांझी तथा भैरव मांझी ने। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है। संथाल परगना के बारे में तो नेतृत्वकर्ता सब जानते ही हैं, लेकिन यदि पूछा जाए क्वेश्चन कि हजारीबाग क्षेत्र में संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था, तो इसके तीन नेतृत्वकर्ता हैं, अर्जुन मांझी, लुबाई मांझी और भैरव मांझी। इसके बाद जो बीरभूम का इलाका है, तो बीरभूम के इलाके से गोरा मांझी ने नेतृत्व किया था। और तो इस तरह से यह विद्रोह चलाया गया। तो इस विद्रोह से परेशान होकर अंग्रेज सरकार को बहुत सारा प्लानिंग करना पड़ा और इस विद्रोह के दमन के लिए मेजर ब्रो के नेतृत्व में सेना की 10 टुकड़ियां भेजी गई। दोस्तों, इस विद्रोह को दबाने के लिए एक मेजर ब्रो थे अंग्रेज अधिकारी, उनके नेतृत्व में सेना की 10 टुकड़ियाँ भेजी गई। सरकार ने निरंकुशता से इस विद्रोह को कुचल दिया और 15,000 से अधिक संथाल मारे गए। तो दोस्तों, जब सेना अपने पूरे अस्त्र शस्त्र के साथ आती है तो आम जनता जो तीर धनुष के साथ लड़ाई लड़ रही थी तो वो क्या कर पाएगी। तो उन्होंने निरंकुशता से गोली चलाकर विद्रोह को कुचल दिया और लगभग 15,000 संथाल मारे गए थे। और इसमें और एक महत्वपूर्ण पॉइंट है कि इस विद्रोह का दमन करने का श्रेय कैप्टन अलेक्जेंडर को दिया जाता है। तो ये नाम याद रखिएगा कि संथाल विद्रोह को दमन करता, जो मुख्य दमन करने का श्रेय किस अंग्रेज अधिकारी को दिया जाता था, तो वो हैं कैप्टन अलेक्जेंडर। तो ये याद रखिएगा। तो दोस्तों, ये था आज का क्लास और हमने इस क्लास में डिस्कस किया संथाल विद्रोह के बारे में। उम्मीद करते हैं आपको ये क्लास अच्छा लगा होगा। अगले क्लास में फिर मिलेंगे कोई नए टॉपिक पर चर्चा के लिए। तब तक आप अपना ख्याल रखिए और हमारे साथ द की पॉइंट से बने रहिए। धन्यवाद।